12,000 हवेलियां जा संपूर्ण हुई, मां थम्बो की हारे आगे रोस। रोस से 3 सीढ़ी उतरकर हम इन पीली रो इन हरे रंग की रोस पर पहुंचे। मैं निशान लगा रही हूँ, हम सबसे पहले इस रोस पर पहुंचे, ये जो रोस आई है इस जगह। अब यहां से 3 सीढ़ी उतर के हम इस पीले रंग की रोस पे उतरे। फिर आगे एक हार बगीचों की आई है। इन बगीचों से आगे पुनः 3 सीढ़ी चढ़कर बगीचा की रोज पर, और आगे आएंगे हम पाल पर। इस पाल पर सुंदर शोभा आई है। इन पाल पर ठीक मध्य गलियों के ठीक सामने, जो हमारे त्रिपोली आ रहे हैं उन त्रिपोलियों के ठीक सामने कुंडों की शोभा आई है। क्योंकि ये शोभा ध्यान देने वाली है कि जो हमारे इसमें आड़ी खड़े त्रिपोलिये चल रहे हैं उनकी मध्य गलियों में अंडरग्राउंड नहरें हैं। वही नहरें कुंडों के रूप में प्रकट होती हैं जहाँ आड़ी खड़ी त्रिपोली कटते हैं। तो ठीक मध्य गली के सामने इन पालकियों पर कुंड की शोभा आई है, और दो कुंडों के मध्य से भूम भर की सीढ़ियां इन चबूतरे पर चढ़ी हैं। 400 कोस का चौड़ा और घेर कर तो 12,000 हाथ में ही आया है। इनमें माणिक मोहल्लों की एक हार घेर कर गलियों के ठीक सामने त्रिपोलियों की शोभा, और हवेलियों के ठीक सामने माणिक महल। अब यहां से भूम भर की सीढ़ी उतरे तो पुणे बगीचों की एक हार 400 कोस की शोभा पालों सहित रोसों सहित। फिर भूमबर की सीढ़ियां चढ़कर इन भूमबर ऊंचे चबूतरे पर आ गए। मध्य भूमबर ऊंचा चबूतरा, इसे 12,000 हांस का चबूतरा कहते हैं क्योंकि इसके 12,000 हांस आए हैं। अब इनमें घेर कर 12,000 विशाल थंब, ये थंब 11,980 भूम तक सीधा चले जाते हैं। ठीक मध्य में जल का स्तून घेर कर ताल बगीचों की शोभा और गिलम सिंहासन कुर्सियों की शोभा। 11,980 भूम में सबसे पहले ये शोभा रहती है 11,980 भूम में कि इन मध्य चबूतरे पर एक छत हो जाती है। अभी तक क्या शोभा थी? हवेलियां, मध्य चबूतरा और माणिक महल, ये तीनों शोभा अपनी अलग अलग चल रही थी। अब 11,980 भूम पर इन मध्य चबूतरे पर एक छत हुई। इन छत ने माणिक महल से मिलान कर लिया, माणिक महल ने हवेलियों से मिलान कर लिया। अब 11,980 भूम पर खुद को देखे तो हवेलियों से दौड़ते हुए माणिक महलों से निकलते हुए मध्य चबूतरे पर आ सकते हैं। इन हवेलियों से चले, यहाँ पे जहाँ पे बगीचे थे उस जगह पर एक सुंदर रोस हो गई। ये माणिक महलों से निकले, फिर एक रोंस की शोभा, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे की किनार पर थम और ठीक मध्य जल का स्तून जाता हुआ। तो भूम दर भूम 20 भूम तक ये शोभा रहती है। यहां तक शोभा क्लियर हो गई ना? याद आ गई ना ये शोभा यहाँ तक? दीदी, बगीचों की रोज से 3 सीढ़ियां फिर उतर के बगीचों में नहीं जाएंगे ना? नहीं कुछ यहाँ बगीचे नहीं है, ऊपर ऊपर रोंस आ गई है। नहीं, सबसे नीचे ही। हाँ वहां तो 3 सीढ़ी उतर के जाना ही है बगीचों में। ठीक। 11,980 भूम ऊपर तो एक छत हो गई, एक छत कहीं भी दौड़ते हुए जा सकते हैं। ये अब कुंड आते भी ढक हैं, जाएगा, हैं? ये कुंड भी ढक जाएगा। हाँ कौन, सिर्फ जल का स्तून नजर आएगा अपने को। ठीक। अब आ जाते हैं हम चांदनी पर। चांदनी पर ठीक मध्य में क्या शोभा थी? जो मध्य 12,000 सांस का चबूतरा, वहां पे क्या शोभा आई? एक भौम भर ऊंचा चबूतरा उठेगा, चबूतरे में चारों तरफ गोलाई में महल बनेंगे 12,000। हाँ, और ये 20 भूम 21वीं चांदनी का अपना टापू महल हुआ। टापू हाँ, और माणिक महल के जो चबूतरा है उस पे क्या शोभा आई? दहलाने वाली ये दहलान की शोभा। और जो बगीचे थे चार बीच में, तो जो बीच में बगीचे थे वहां पर उसमें वो पानी हो जाएगा, जल पानी बन गया, होगा। है ना? इस तरह से चांदनी के ठीक मध्य में अपने को शोभा नजर आई। ये शोभा देखते हैं यहाँ से, ये देखो इससे एक बार नक्शा आ रहा है, दूसरा शेयरिंग, ये वाला नक्शा दूसरा। ये देखिए ठीक मध्य टापू महल की शोभा, ताल की शोभा, दहलान की शोभा। 12,000 हवेलियों के ऊपर 12,000 बगीचे,
और जो त्रिपोली आए थे उनके ऊपर नहरों की शोभा, आड़ी खड़ी नहरें जहाँ कटी वहां पर कुंडों की शोभा। अब इन कुंडों पर चारथम मेराबे इन छत ने दाएं बाएं सबसे मिलान कर लिया और ये जो बगीचे आया भूम भर के इनका भी मिलान हो गया। तो अपने पास एक छत हो गई भूम भर ऊंची, ये अपने पास एक छत हो गई भूम भर ऊंची, इन छत ने इन दहलान से मिलान कर लिया। इन कुंडों में हिंडोले और ये दाएं बाएं जो मिलान होता है उनमें भी हिंडोलों की शोभा। ये देखो बेशुमार हिंडोले, कुंडों में हिंडोले चार चार और जो ये मिलान हो रहा है उसमें भी हिंडोले। तो इस तरह से चांदनी की शोभा, ये जो नहर, अच्छा हाँ एक शोभा और रह गई, यहाँ पर टापू महल की चांदनी पर जो अपना जल का स्तून फूटा, जल का अपार पूर हुआ, यहाँ से जल भूम दर भूम नीचे आते हुए चबूतरे की पिठोर में जाली द्वारों से इस ताल में जल आया, जाल ताल से ये जल अंडरग्राउंड इन दहलान के तले से होता हुआ। इस शोभा को नजदीक से देखते हैं, ये देखो भूम भर की धाराएं, ये जो दहलान आई है दहलान के साथ कुंडों की शोभा आई है, उन कुंडों में जल की धाराएं आती हुई, देखो ये जल की धाराएं दिखाई दे रही होंगी इस छत के नीचे, ये देखो है ना। अब यहाँ से 12,000 नहरें चली, 12,000 नहरें चली, ये नहरें जाकर चांदनी का नक्शा निकालो, दीदी एक बार टापू महल में एक मानिक महल की शोभा बता दीजिए, सिर्फ बाहर से दरवाजे कितने होंगे? बताते अभी बताते, एक बार ये शोभा यहाँ तक ही कंप्लीट कर लूँ। ये देखो यहाँ से नहरें चली और ये गुर्जों के कुंडों में जल आया, और इसके आगे की शोभा अभी अपन ने शुरू शुरू में देखी इसे कि कैसे जल उतरता है, हाँ जी यहाँ से है ना। तो ये शोभा हुई अपनी। अब एक टापू महल की शोभा का विस्तार कर लेते हैं। ये देखो ठीक मध्य में भूमबर ऊंचा चबूतरा, इन चबूतरे पर आते हैं तो रोज की जगह छोड़कर घेर कर 12,000 मोहलाते आपस में जुड़ी हुई रंग महल के माफक, चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे चबूतरों की शोभा। इन एक महल के अंदर आते हैं तो बाहर की तरफ दो दरवाजे एक जरोखा मिलेगा, भीती तरफ और पाखी की दीवार की तरफ एक एक दरवाजा है, फिर एक थम की हार दो गली, यहाँ पर चबूतरे की बगीचों की शोभा और बगीचों के मध्य चबूतरा जिन पे जल का स्तून जा रहा है। प्रथम भूमिका में कुंड होगा, बाकी शेष 19 भूमों में कुंड की शोभा नहीं आएगी। ये जो जल की शोभा है सिर्फ तले की भूमिका में है, ऊपरा ऊपर 20 भूम में जल की शोभा नहीं है। यहाँ पे भी चबूतरे आएंगे? हाँ चबूतरे आएंगे दरवाजे के दोनों तरफ। हाँ एक तरह से ये गोल हवेली हो गई ना, ठीक ये गोल गोल हवेली हो गई ना, ये देखो चारों तरफ बड़े चबूतरे दिखा रखे हैं ना महाराज जी ने, हाँ जी देखो हाँ ये चबूतरे आएंगे और गुर्जो, ये देखो जरोखों की शोभा भी आएगी, इन जरोखों में बैठकर ताल की शोभा देखना, दहलानों की शोभा देखना, आगे बगीचों की शोभा देखना, और उसके बाद अपने ही उतरते जल की शोभा के दर्शन करे ही है महानद के। तो इस तरह से ये संपूर्ण हुई शोभा। हम्म।